IB71। फ्रेंड्स, विद्युत जामवाल की ये न्यू मूवी सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई है और ये मैंने देखी। मुझे ये मूवी पसंद आई पर मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये खरी नहीं उतरी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं मुझे मूवी पसंद भी आई पर मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकी, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी एक्सपेक्टेशंस ही मूवी से गलत थी। मैं कुछ और ही सोच के मूवी के बारे में गया था। जैसे विद्युत जामवाल इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, तो इनको जब मुझे पता चला कि विद्युत की मूवी है तो मैं तो सीधा मूवी देखने पहुंच गया। और फिर मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें विद्युत का कोई जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ रॉ स्टंट्स, रॉ एक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि मूवी में एक्शन विद्युत का बिल्कुल मिसिंग है। मार्शल आर्ट्स तो दूर की बात है, इनका वैसे भी कोई इसमें एक्शन नहीं है। सो यहां पर मूवी की ये एक वीकनेस भी है पर यही मूवी की स्ट्रेंथ भी है। वो स्ट्रेंथ किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मूवी एक ऑनेस्ट तरीके से चलती है। जिस टॉपिक पे वो बनी है, एक ट्रू स्टोरी पे बनी है, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के ऊपर 1971 में जो हुआ था उसके ऊपर ये मूवी है और प्लेन हाईजैकिंग के ऊपर है, तो उस टॉपिक से ये भटकती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का एक्शन डाला है कि विद्युत को दिखाना है एज ए एक्शन हीरो तो कुछ उसको एक्शन सीन दिए जाए, तो वहां पर ये ईमानदारी से चलती है मूवी तो नहीं डाले गए। इनफैक्ट मूवी में कोई हीरोइन भी नहीं है। आमतौर पे हम देखें कि जहां पर हीरोइन की जरूरत नहीं होती फिर भी एक हीरोइन फिट कर दी जाती है कि नहीं हीरोइन तो चाहिए, पर इसमें वहां पर भी पूरी ऑनेस्टली काम किया है तो हीरोइन को नहीं लिया गया। तो ये फिर एक वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों ही है मूवी की। तो अगर आप मूवी को विद्युत के एक्शन के बारे में सोच के जाएंगे तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होगी। इस मूवी को हम कैटेगरी में रखें तो हम इसको एक थ्रिलर मूवी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ए थ्रिलर मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सो थ्रिल के मामले में तो ये मूवी बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करती है, शुरू से लेकर एंड तक ग्रिपिंग है, बोर नहीं करती, और साथ में ये इसमें एक्टिंग भी अच्छी है। विद्युत ने अच्छी एक्टिंग की है, बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। पर यहां पर भी अब सवाल है कि क्या आप विद्युत को ऐसे रोल में देखना चाहते हैं कि जो एक्टिंग बेस्ड हो पर उसमें उनका एक्शन ना हो? तो क्या पब्लिक इस रोल में उनको एक्सेप्ट करेगी? इस मूवी के प्रोड्यूसर भी है विद्युत, तो ये मूवी उनके दिल के काफी नजदीक है। वो इस मूवी के थ्रू उन उन सोल्जर्स की, उन इंडियन रॉ एजेंट्स की स्टोरी को सामने लाना चाहते थे कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाई, तो वो शायद इस मूवी के थ्रू वो रिकॉग्निशन उनको मिल सके। तो ये इनकी सोच अच्छी है मूवी के लिए। तो इस वजह से फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशंस तो मेरी ये मूवी पूरी नहीं कर पाई, पर फिर मैं जब मूवी देख के निकला हूं और इसके बारे में सोच रहा हूं तो फिर मूवी तो ये अच्छी है। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचूं, सिर्फ एक मूवी के एंगल से देखूं, तो फिर ये मूवी तो अच्छी है, बढ़िया थ्रिलर मूवी भी है, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, देशभक्ति पे बनी है, बोर नहीं करती आपको और देखनी बनती है। अगर आप इसको हॉल पे देखें तो भी अच्छा है, पर हॉल के अलावा आप इसको फिर नहीं तो ओटीटी पे भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कोई विजुअल इफेक्ट्स या ऐसे इतने कोई जबरदस्त एक्शन सीन्स नहीं है कि हम इसको बड़े पर्दे पर ही देखें। ओटीटी पर भी आप देख सकते हैं पर देखनी बनती है ये मूवी। मैं इस मूवी को रिकमेंड करूंगा। मेरी तरफ से रेटिंग फॉर दिस मूवी 3 आउट ऑफ 5। IB71 गुड मूवी, एक बार देखनी बनती है।